नमस्कार, मैं महेंद्र राजपूत, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अमन लेखनी। आज हमारे चैनल का लॉन्चिंग हुई है। इस मौके पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे ही चैनल के संपादक राजकुमार सिंह चौहान जी हैं। जैसे कि आपको मालूम है, आज 5 अगस्त है। आज अयोध्या में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया है, वहीं आज हमारे चैनल का उद्घाटन भी हुआ है। इस उपलक्ष्य हमारे साथ बात करने के लिए हमारे संपादक राजकुमार चौहान जी हैं। आइए आपकी बात करते हैं। आज बहुत शुभ दिन है। विश्व में भगवान राम जन्मभूमि का जो कार्यक्रम देखा जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि का शिलान्यास किया है और मंदिर की स्थापना आज हो रही है। 5 अगस्त का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज उसी उपलक्ष्य में अमन लेखनी परिवार के द्वारा अमन लेखनी वेबसाइट का उद्घाटन, अखबार और चैनल का उद्घाटन माननीय सांसद श्री कौशल किशोर जी द्वारा किया गया है। मैं समझता हूं कि अमन लेखनी क्षेत्र, प्रदेश और देश की समस्याओं के प्रति हमेशा अपना उत्तरदायित्व निभाता रहेगा। समय समय पर जन समस्याओं को लेकर और अन्य प्रकार की जैसी भी समस्याएं होंगी, उनको समाज के सामने, सरकार के सामने ला करके उनका निराकरण कराने का पूरा प्रयास करता रहेगा। मेरा आग्रह है सभी से, सभी लोग अपना सहयोग प्रदान करें और अमन लेखनी परिवार आपके प्रति, आपकी समस्याओं के प्रति सदैव तत्पर रहेगा और उनकी समस्याओं के प्रति आपका पूरा देखभाल करेगा। ये रही आज के परिप्रेक्ष्य में अयोध्या, उत्तर प्रदेश की अयोध्या जो अवध नगरी है, वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंदिर निर्माण की नींव रखी है, आधारशिला रखी है। हम सभी लोग गौरवान्वित हैं। पूरा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग और विश्व में रहने वाले राम भक्त आज बड़ा हर्षित हैं, उल्लासित हैं और सबको इस राम जन्मभूमि के पावन अवसर पर मैं सबको बधाई देता हूं और चैनल के सभी सम्मानित हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं चैनल के, उनको भी इस अवसर पर शुभकामनाएं। अवसर है आज के कार्यालय का उद्घाटन का अमन लेखनी का, क्योंकि आज 5 अगस्त को यहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया और चांदी की ईंट रख करके राम मंदिर की नींव भरने की शुरुआत की। भव्य मंदिर बनेगा, देश में पूरी तरीके से अमन चैन शांति भी है, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा बेहतर प्रसिद्ध मंदिर भगवान राम श्री राम का अयोध्या में बनेगा, इसकी शुरुआत आज हो गई है। और चूँकि मंदिर बनना शुरू हो गया उनकी राम जन्मभूमि पे, तो राम राज कैसे आएगा, उस राम राज को लाने में अमन लेखनी पूरी मदद करने का काम करेंगे। पोर्टल और अमन लेखनी दैनिक समाचार पत्र के कार्यालय का आज बनी में उद्घाटन हुआ है और इस अवसर पर मुझे कहना है कि इसके राजकुमार चौहान जी संपादक हैं। ये पीड़ितों की आवाज़, ये अमन लेखनी पोर्टल और हिंदी दैनिक समाचार पत्र है जो हमारे लेखनी, ये बनेगा और शासन में, प्रशासन में जहाँ कहीं भी कमियाँ नज़र आएंगी, उन कमियों को गिना करके सरकार को सपोर्ट करेगा, सरकार की नीतियों को लागू करने में और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लागू कराने में शासन और प्रशासन से बात करके उसको अमल में लाने का काम ये पोर्टल और समाचार पत्र करने का काम करेगा, मुझे इसका पूरा विश्वास है। और सबसे बड़ा विश्वास ये है कि जो पीड़ित लोग हैं, परेशान हाल लोग हैं, जिनकी थाने में नहीं सुनी जाती, तहसील में नहीं सुनी जाती, ब्लॉक अस्पताल में जिनको न्याय नहीं मिलता, वो सारे लोग यहाँ पे आएंगे, अपनी बात को कहेंगे और ये हिंदी दैनिक अमर लेखनी अखबार के माध्यम से और पोर्टल के माध्यम से। प्रथम समस्त देशवासियों को मैं आज महापर्व की बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी संघर्ष और काफ़ी प्रतीक्षा के बाद आज वह शुभ घड़ी आई है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी को टेंट से बाहर लाकर भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए जो आज भूमि पूजन हो रहा है,
इसके लिए मैं समस्त देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ और एक कहना चाहता हूँ, सिया राम मैं सब जग जानी, करुण जोर करुण प्रणाम जोर जुग पानी। अर्थात समस्त देशवासियों को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे सरोजनी नगर विधानसभा में अमन लेखनी हिंदी दैनिक समाचार पत्र का आज उद्घाटन हुआ है, पोर्टल का उद्घाटन हुआ है। और बड़े ही खुशी की बात है कि जो क्षेत्र की समस्याएं हैं वो शासन तक पहुंचने में असमर्थता हो रही थी, इस अमन लेखनी के माध्यम से दबे कुचले गरीब मजदूर किसानों की जो आवाज़ थी, जो शासन प्रशासन तक पहुंचने में असमर्थता हो रही थी, वो अब बहुत ही आसानी से उनकी आवाज़ अमन लेखनी के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचेगी, उन्हें न्याय मिलने में, उनकी बात शासन तक पहुंचाने में आसानी होगी। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूं जो इसके संपादक महोदय हैं श्री राजकुमार चौहान जी का, कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूं और उन समस्त पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद व्यक्त करता हूं जो अपनी जान जोखिम में डाल करके दबे कुचले गरीब मजदूर किसानों की आवाज़ को उठाते हैं। उनके लिए भी मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। जिस दिन पत्रकार बंधु दब जाएंगे, डर जाएंगे गुंडे बवालियों से, उस दिन आम जनमानस को न्याय मिलना मुश्किल होगा। इसलिए मैं उन समस्त सहयोगी बंधुओं को एवं अमन लेखनी के संपादक महोदय को कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूँ एवं ईश्वर से अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी से यह प्रार्थना करता हूँ कि क्षेत्र की समस्याएं अमल लेखनी के माध्यम से उठाई जाएं और शासन प्रशासन तक पहुंचाकर उन्हें न्याय दिलाने का काम करने में सार्थक हूँ। इसी के लिए मैं हमारी तरफ, हमारे क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक बधाई और उज्ज्वल भविष्य। बड़े हर्ष का दिन है जब अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया। साथ में उसी के परिप्रेक्ष्य में बनी में मनोज सिंह व राजकुमार सिंह चौहान जो हिंदी दैनिक के प्रमुख संवाददाता हैं, उन्होंने भगवान राम की पूजा अर्चना करके प्रसाद वितरण भी कराया व हिंदी दैनिक पेपर का शुभारंभ बहुत ही पावन समय किया। राम जन्मभूमि मंदिर के पावन पवित्र अवसर के दिन मंदिर के निर्माण हेतु परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रथम ईंट रखने पर, इसी के पावन अवसर पर लखनऊ जिले के सरोजनी नगर विधानसभा में बनी ग्राम में हमारे बड़े भाई श्री राजकुमार सिंह चौहान जी के द्वारा अपने ही अखबार के उद्घाटन के अवसर पर जो अमन लेखनी दैनिक समाचार पत्र एवं पोर्टल न्यूज के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर आदरणीय मोहनलालगंज के सांसद श्री कौशल किशोर जी के द्वारा किया गया, इस अमन लेखनी दैनिक समाचार और पोर्टल न्यूज कार्यालय उद्घाटन पर अपने बड़े भाई आदरणीय श्री राजकुमार सिंह चौहान जी जो संपादक, उनको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं और इस अखबार और पोर्टल के उज्ज्वल भविष्य की
ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हम सभी लोग जितना भी हो सकेगा बड़े भाई का कंधे से कंधा मिलाते हुए इस अखबार और पोर्टल न्यूज़ को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। यही हमारी बड़े भाई और इस अमन लेखनी समाचार दैनिक समाचार और पोर्टल न्यूज़ के लिए और से पूरे देशवासियों को एवं विश्व के सभी देशवासियों को श्री राम जी के शिलान्यास के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे अति उत्साह है और हमारे विधानसभा के सभी भक्तों को जो आज ये बहुत ही अति उत्साहित काम हुआ है माननीय मोदी जी और योगी जी द्वारा जो शिलान्यास किया गया उसके लिए मैं और हमारे कार्यकर्तागण सभी बधाई देते हैं। इसी उपलक्ष्य में हमारी विधानसभा श्रीनगर के माननीय राजकुमार सिंह जी द्वारा एक समाचार पत्र का अवलोकन किया गया जो अमन लेखनी नाम से दैनिक समाचार पत्र के नाम से जाना जाएगा और उसके साथ में एक पोर्टल भी चलेगा। मैं समझता हूँ कि अमन लेखनी समाचार पत्र इस विधानसभा के बारे में जो भी ऐसी हमारी जनता को काफ़ी लाभ मिलेगा। मैं इस समाचार पत्र को आज जो भी यहाँ पर लोग आए उनको मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ख़ास तौर पे मैं माननीय राजकुमार सिंह जी को पूर्ण रूप से बधाई इसलिए देता हूँ कि पहला समाचार पत्र जो हमारी विधानसभा में अमन लेखनी दैनिक नाम से जो आज चलाया गया खोला गया इसके लिए मैं पुनः माननीय राजकुमार सिंह जी को बधाई। आशुष सिंह पहाड़पुर व्यापार मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीनगर हमारे बनी में राजकुमार माननीय राजकुमार सिंह जी द्वारा अमन लेखनी का उद्घाटन आज 5 तारीख को किया गया और मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिससे क्षेत्र की सारी समस्याएं सुलझेंगी और अच्छे से अच्छे जो है कार्य इस क्षेत्र में इनके द्वारा किए जाएंगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। आज हमारे बड़े भाई ने दैनिक हिंदी दैनिक अमर लेखनी का उद्घाटन किया गया जिससे जन समस्याओं को दूर करने के लिए निवारण करने के लिए आसपास की जो भी घटनाएं हुई उनसे सबको निवारण करने के लिए सभी लोगों को उत्साहित और प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। इसी के उपेक्ष में हमारी तरफ से हिंदी दैनिक अमर लेखनी बहुत ही पावन दिन है। हमारे भगवान राम 500 वर्षों से जो लड़ाई पूर्वजों ने लड़ी उसके लिए आज हमको हम सभी भारतवासियों को बहुत ही अपार खुशी हो रही है और उसी समय जो है अमन लेखनी का अपने क्षेत्र में ग्रामीण अंचल में इसका कार्यालय खोला गया है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत बधाई कि हमारे क्षेत्र के जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं उनके अमन लेखनी के माध्यम से उनकी समस्याएँ का निदान होगा। इसके लिए अमन लेखनी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज 500 साल बाद भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का विधिवत पूजन हुआ है जो भूमि पूजन जिसे कहते हैं और उसी दिन उसी समय ये हमारे क्षेत्र में देहात के क्षेत्र में अमन लेखनी और पोर्टल का विधिवत उद्घाटन हुआ है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये अमन लेखनी जो है ये जनता के लिए जो है पूरी सहायता करेगी क्योंकि जनता हमारी जनता सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा नहीं पाती है और अमन लेखनी के माध्यम से जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी
और एक बात और कह देना चाहते हैं कि सारे लेखक, सारे पत्रकार, ये सारे चैनल शहरों में पाए जाते हैं, देहात क्षेत्र में बहुत कम पाए जाते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि अमन लेखनी सरकार का सहयोग करते हुए जनता का पूरा सहयोग करेगी, और इतना जरूर आज अमन लेखनी समाचार पत्र और पोर्टल की आज शुरुआत हुई है। ये बहुत सुंदर कार्य है। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे पत्रों की ज़रूरत भी थी जिससे जन समस्याओं को उठाने में और विकास के कार्यों को कराने में सरलता रहेगी। साथ ही गरीब जनता जो दूर तक नहीं जा पाती है, शहर तक नहीं जा पाती है, जो समस्याएं अपनी लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही है, इस अमल लेखनी के माध्यम से ये समाचार हम सरकार माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और मैं शुभकामनाएं देता हूं अमल लेखनी समाचार पत्र और पोर्टल को कि ये दिनों दिन सुंदर कार्य करते हुए जनता की समस्याओं को और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने अंतर्गत बनी गांव में आदरणीय राजकुमार सिंह चौहान जी ने अमन लेखनी पोर्टल और हिंदी दैनिक पत्रिका का जो आज अपने कार्यालय का उद्घाटन माननीय सांसद श्री कौशल किशोर जी के कर कमलों से कराया, इसके लिए मैं चौहान साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने ऐसे समय एक कदम उठाया जिस समय प्रशासन के अंदर प्रशासनिक अधिकारी जितने हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ और इस अमन लेखनी के पोर्टल को शुभकामनाएं देता हूँ कि अमन लेखनी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में अपना सहयोग करेगी, लोगों को जागरूक करेगी, लोग इससे इसके कार्य से जो है जुड़ेंगे। और आज ऐसा दिन है कि उधर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 471 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ करके आज चांदी की ईंट से प्रभु राम के मंदिर दरबार का जो है शिलान्यास किया, और इस पावन दिन पर आज अमन लेखनी का जो है कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। इस लेखनी को इनके संपादक श्री राजकुमार सिंह चौहान जी को मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपकी ऐसी सोच है कि जो देश से और प्रदेश से भ्रष्टाचार को मुक्त करेगी, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में अपना सहयोग देगी। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर श्रीनगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले बनी क्षेत्र में आदरणीय श्री चौहान साहब के यहाँ अमन लेखनी हिंदी दैनिक अखबार व पोर्टल की शुरुआत करने के लिए श्री राजकुमार सिंह चौहान जी को बहुत बहुत बधाई और आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ आप सब जो अमन लेखनी के पत्रकार भाई हैं उन सब से भी ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग सच्चाई की आवाज़, जो हमारे दबे कुचले लोग हैं या जो बातें ऊपर नहीं आ पाती हैं, उन्हें अपने अखबार के माध्यम से समाज के सामने सच्चाई लाने का प्रयास करेंगे। आपको आज के दिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। राजकुमार दादा ने, वरिष्ठ पत्रकार संवाददाता ने, गरीबों के लिए, हित के लिए बहुत बड़ा काम किया है क्षेत्र का। मैं उनको बहुत बड़ा धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। जय जय श्री राम। आज हमारा बहुत बड़ा शुभ दिन है। अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से। आज पूरा देश एक होकर के प्रभु राम के चरणों में हर काम छोड़ करके भागते हुए दौड़ते हुए दर्शन के लिए प्राप्त हुए हैं। कुछ गरीब आदमी हैं जो नहीं जा सकें, वो टीवी चैनल पर अपना कार्यक्रम प्रभु रामचंद्र जी का देख रहे हैं।